जब भी कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर सबसे पहले टंग चेक करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि टंग में ऐसा क्या सिम्टम है जिसे देखकर प्रॉब्लम का पता लगा सकते हैं। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि टंग को देखकर कैसे पता कर सकते हैं कि आप हेल्दी हैं या फिर अनहेल्दी। शरीर में कोई भी गड़बड़ी होने पर हम सीधा डॉक्टर के पास भागते हैं और डॉक्टर भी झट से हमारी टंग को देखकर हमारी बीमारी का पता लगा लेते हैं। हम दवा लेकर घर का रुख कर लेते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर डॉक्टर जीभ में ऐसा क्या देखता है जिससे वो हमारे शरीर की बीमारी के बारे में पता लगा सकता है। दरअसल में डॉक्टर जीभ में बदलावों को देखकर शरीर में पनप रही बीमारियों का पता लगा लेते हैं। टंग के कलर और रंगत को देखकर डॉक्टर को पता चल जाता है कि शरीर में कुछ गड़बड़ है। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में डिटेल में कि किस टंग के कलर से किस बीमारी का पता लगाया जा सकता है। सबसे पहला आता है रंग और एनीमिया। डॉक्टर के पास जाने पर इस दौरान डॉक्टर दरअसल जीभ का रंग देखते हैं, वो पता लगाने की कोशिश करते हैं कि कहीं आप शरीर में खून की कमी से तो नहीं जूझ रहे हैं। सामान्य तौर पर हमारी जीभ का रंग गुलाबी होता है, लेकिन खून की कमी पर इसका रंग बदल जाता है और ये पीला हो जाता है। साथ ही टंग चिकनी हो जाती है। इसके साथ ही यदि आपकी टंग का रंग गुलाबी नहीं है तो आपको कोई ना कोई इन्फेक्शन हो सकता है। मुंह में छाले और मुंह का सूखना आयरन की कमी के लक्षण हो सकते हैं। जीभ में दरारे पड़ना। एक्सपर्ट की माने तो जीभ में दरारे शरीर में विटामिन की कमी या इन्फेक्शन को दर्शाती हैं। ऐसी जीभ को फिशर टंग कहा जाता है। जिन लोगों को किडनी रोग, अनियंत्रित डायबिटीज, कीमोथेरेपी आदि की समस्या है, उनमें ऐसी जीभ देखने को मिलती है। जीभ का सफेद होना। कई बार हमारे टंग पर सफेद धब्बे या फिर जीभ का रंग सफेद हो जाता है। ये किसी यीस्ट इन्फेक्शन के सिम्टम्स हो सकते हैं, या फिर ये जो लोग टबाको का सेवन करते हैं उनकी जीभ भी सफेद हो ही जाती है। जीभ पर काले धब्बे होना। यदि आपको आपकी जीभ पर काले धब्बे दिखाई दे रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ये बैक्टीरिया या फंगस इन्फेक्शन के चलते हो सकता है। कभी कभी आयरन की दवाई खाने से भी जीभ का रंग काला हो जाता है। जीभ का लाल होना। वैसे तो हमारी जीभ गुलाबी रंग की होती है, लेकिन कई बार इसका रंग लाल हो जाता है। जीभ का लाल होना शरीर में विटामिन B12 की कमी की ओर इशारा करता है। इन्फेक्शन और फीवर के चलते भी जीभ का रंग लाल हो सकता है। इस वीडियो में हमने आपको बताया कि जीभ का रंग कैसे पता कर सकता है कि आपके बॉडी में कोई प्रॉब्लम है या नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुद ही ये चेक करने पे आ जाएं कि आपको परेशानी है या नहीं और डॉक्टर के पास ना जाएं। अगर ऐसे लक्षण आपको अपनी टंग पर दिखते हैं तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और ऐसे में कोई भी होम रेमेडी अपनानी नहीं चाहिए। तो दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा। हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।